हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम राधानाथ राय कविता बड़पण एही कवितार द्वितीय भाग आलोचना करिबा। पूर्वरु गोटे भाग आलोचना करा जाइछि, जेउ माने से भिडियोटी देखि नांती देखि दियंतु, जहाँफल कि आज आलोचना आपण मानक बुझिबा सहज हेबो। पूर्वरु आम आलोचना करूथिले कटकर बारवाटी दुर्गरे जो दरबारटी आयोजन करा जाइथिला जमीदार गोविंद वल्लभ राय एवं प्रसिद्ध ज्योतिर्विद सामंत चंद्रशेखर बा पठाणी सामंत को उपाधि प्रदान पाए। से जो दरबार को आसी ओडिशार अहमिकाग्रस्त पदलालसी इंग्राजी शिक्षाप्राप्त कर्मचारी नीतिभ्रष्ट राजन्य मंडली सेमानंकर आचार आचरण रे राधानाथ कौन होती क्षुब्ध होती से व्यंग विद्रूपर बाणी शुणाई। राधानाथ राय समस्त को मन पकई जे तुम्हें हूँ केशरीर औरसरे जन्म तुमर तुमर पितृत सिंह परी किंतु तुम्हें एठारे कौन हो कुकुर परी आचरण करुछ। किपरि भावरे पूर्वपुरुषर विशाल विस्तीर्ण सम्मान रही साम्राज्य रही से कथा को मध्य मन पकाई देछंती। पूर्व जो राजा माने थिले उत्कलर से समस्ते किपरि भावरे अग्निर ज्वाला जेपरि भावरे ऊपर को गति कर जाए ऊर्ध्वगामी थाए से माने सही परि भावरे आचरण करूथिले, किंतु तुम्हें सही वंशर संतति होइकि जलधारा परी तुम्हें निम्नगामी होइछ। तुम्हारे जो पितृगण थिले से माने दानशील थिले उदार थिले तांकर उदारपण से माने राज्य को गोटे परिवार बोली मने करूथिले। ए कथा मैं आलोचना करूथिले आउ कोन आलोचना करिछे ना वर्तमान राजा प्रजा एबे बाजपारा हेछंती। बाज कहिले संचाण प्रजा मानू पारा राजा मानू संचाण कहा राजा मैंने सर्वदा बा सबुबले प्रजा मानू कौन करुले शोषण करुले। पूर्वर जो राजा मैंने थे उत्कलर से मैंने कौन करुले राज्य को एक परिवार बोली मन करुले, किंतु वर्तमान प्रजा मानू पूरा शोषण करपर्यंत आम आलोचना करें। बर्तमान यही आलोचना करवा काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष प्रजा मुखुतांक श्रमार्जित ग्रास। राज भोग अभिलाष कहिले राजभोगर इच्छा, श्रमार्जित ग्रासर अर्थ होउचि परिश्रमरु अर्जित खाद्य। राजभोगर जो इच्छा रहिछि से राजभोगर इच्छा पाई राजा माने कौन करुछंती प्रजा मानंक मुखरु तांकर परिश्रम अर्जित खाद्य को से माने काढ़ी नेउछंती। केउ आशा नै कि ना राजभोगर इच्छा देशी होइ तुम्भे आचरिलो नीति निर्मम विदेशी सर्व शोषी नीति। तुम्हें देशी होइकि तुम्हें केउ नीति आचरण करिछ विदेशी मानंकर जो सर्वशोषी नीति रहिछि सर्वशोषी नीति कहले जे समस्त शोषण करती से मैंने सीना विदेशी से मानकर स्वभाव हो शोषण करवा, किंतु तुम्हें देशी होइकि निज राज्यर होइकि तुम्हें निज प्रजा प्रति ये जो आचरण करुच शोषण मनोवृत्ति रखुच से तुम राजभोगर इच्छापाई तुम्हें प्रजा मानक मुखर तर परिश्रम जो अर्जित खाद्य को तुम्हें से सब काढ़ी नौ तुम्हें विदेशी देशी होइकि तुम्हें क्यों आचरण करुछ से निर्मम निष्ठुर विदेशी मानकर जो शोषण मनोवृत्ति रही से आचरण को तुम्हें कौन करिछ आबोरी नहीं छो निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति बाश्चल्ये न बांधि प्रजाकर चित्त विदेशी संगीने कले तांकु भीत। बाश्चल्यरे पुत्र स्नेहरे प्रजा मानंकर चित्त को हृदय को न बांधिकि तुम्हें माने कौन करुछो विदेशीर संगीने संगीने कहिले बंधुक मुनरे भीत कहिले भयकातर। पूर्वरो जो
राजा माने थिले से माने राज्य को निजो परिवार बोली माने करथिले से थी पाई से माने निजो राज्य रो प्रजा मानन को पुत्र स्वरूप देखुथिले। किंतु तुम्हें प्रजा मानन को पुत्र स्नेह रे न बांधी कि तुम्हें विदेशी मानन करो जो बंधुक से बंधुक मुन रे तांको भय बा कातर करी रखिचो सब बेल पाई से माने कौन होचंती भीत हेकि रहउचंती भय प्राप्त होकि रहउचंती। गंता घर हेला तुम्भर सर्वस्व सर्वस्व प्रासाद गावी हस्ती अश्व कौन कहा जाए ना तुम्हर गंता घर हेउची तुम्हें सबकि गंता घर कहले खजना खाना जोठार सर्वस्व प्रजा मान शोषण करी जो गृह रखा जाए ताकि गंता घर से गंता घर हूँ तुम्हें सबकि तुम्हें सर्वस्व तुम्हें सर्वस्व आउ कौन रही तुम्हार जो प्रासाद रही राजवास रही गाभी कहले गाई हस्ती कहले हाथी अश्व हो घोड़ा तुम्हार राजवास तुम गाई घोड़ा हाथी ये समस्त होम सर्वस्व। राजधर्म है प्रजाधन बुहा मंत्री हेले खल खंट कान कुहा राजा धर्म कौन किपर भाव प्रजा को निजर पुत्र पर पालन करवा ये हूँ राजधर्म राज्यर सब शांति रस्ते किपर खुशी कालातिपात करेंगे ये हूँ राजधर्म। किंतु एठारे राजधर्म हेउछि कोन तुम्हें माने राजधर्म को भूली जाए कि प्रजा धन बुहा प्रजार धन संपत्ति को किपर आनी निज गंता घर रे स्थापन करिबो ए हेउछि तुमर राजधर्म। किंतु तुम्हें सठिक राजधर्म को भूली गलनी तुम्हें राजधर्म कहिले प्रजा मानंकु किपर शोषण करिबो से कथा को एठारे राधानाथ कोन करछंती ए राजा मानंकु ए जो अहमिकाग्रस्त पदलाड़ी नीतिभ्रष्ट राजन्य मंडली रही दर्शा जाठे मंत्री माने मानते कौन ना खल खल कहले दुष्ट खंट कहले डकायत कान कुहा कहले जी सब अन्यर कथा अन्यर अपवाद करें जो राज्य रे राजा होती निजे प्रजा मान हित न करी प्रजा मान शोषण कर मंत्री किपर भाव होते भल केबे नुह से माने मंत्री माने मध्य दुष्ट डकायत एवं अन्यर कान कुहा केबे केही मंत्री माने मध्य भल कथा कहते ना तंडी दुखी रंक अरक्षित रांड विदेशी के खुआइल कुकुटांड तंडी कहले ठकी बा कष्ट देई दुखी मानंकु कष्ट देकी रंक कहले कृपण बा दरिद्र बा क्षुधार्थ अरक्षित कहले सहाय शून्य रांड कहले विधवा जेते सबू दरिद्र माने अछंती सहाय शून्य माने अछंती विधवा माने अछंती से मानंकु तमे ठकिकी बा से मानंकु कष्ट देकी तमे एठारे कोन करूछो विदेशी मानंकु किंतु कुकुटांड खुआउछ तमे दरिद्र मानंकु ठकुछ दरिद्र मानंकु कष्ट देउछ जे सहाय शून्य ताकु सहायता देबा बदलरे तमे से मानंकु कष्ट देउछ किंतु विदेशी मानंकु तमे कोन करूछो किपर भाबरे से मानंकु स्वागत करूछो से मानंकु खाइबा पई दउछंती कुकुटांड कुकुटांड कहले कुकुडा रंडा। जेऊ राज्य रे राजा माने खुद कुंडा पाउ नहंती किंतु सेठारे अतिथि जे कि विदेशी सी सेठारे कुकुडा रंडा खाउछंती न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा नेले घीओ अटा संगे छाग मुंडा दुखी माने प्रजा माने एठारे खुद कुंडा टिके पाउनांती खाइबा पई किंतु सही राज्यर राजा जे कि विदेशी मानंकु घीओ अटा संगरे छाग मुंडा छेलीर मांस मध्य कोन कहचंती उपहार स्वरूप देउछंती खाइबा पई कुकुडा अंडा देउछंती ता सहित अतिथि मानंकु घीओ अटा संगरे छेली मांस मध्य उपहार स्वरूप भेटी देउछंती आउ कौन कहा जाए ना कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा अभीष्ट देवता कला लोभ प्रेत नचेतिले खाई विपदर बेत कांड ज्ञानहीन कहले जहार सामान्य साधारण ज्ञान न थाए ताकु कांड ज्ञानहीन बोली कहा जाए थाए कांड पृष्ठ हुंडार अर्थ होची ज्ञान शून्य अस्त्र व्यवसायी अभीष्ट कहले इष्ट देवता लोभ प्रेतर अर्थ होउची लोभग्रस्त प्रेत
ବିପଦର ବେତ କହିଲେ ବିପଦ ରୂପକ ବେତ ପ୍ରହାର। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯାହାର କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ବା ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କଲା ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋଭ ରହିଛି ସେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବିପଦ ରୂପକ ବେତ ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ବେତ ପ୍ରହାର ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଚେତୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ରୂପକ ଯେତେ ବେତ ପ୍ରହାର କଲେ ବା ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବୀଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି। ପାପ ଦ୍ରବୀଣ କହିଲେ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶାୟୀ, ମନାସି କହିଲେ ଇଚ୍ଛା କରି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ସେମାନେ ଆଶାୟୀ ହେଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଆଣି ନିଜ ଗନ୍ତା ଘରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେଇ ଆଶା ସେଇ ମନୋଭାବକୁ ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରଖିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପାପ ବୃଦ୍ଧି, ଏ କେବେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିକି, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଠକିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣିବା, ଇଏ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପାପ ବୃଦ୍ଧି। ଏଇ ପାପ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଇ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଟାକି କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି, ଜରିମାନା କହିଲେ ଜୋରିମାନା। ମାଲଖାନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥାଗାର ବା ଗନ୍ତାଘାର, ଯାହାକୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଅ ଯେ ଜୋରିମାନା କରିକି କିପରି ଭାବରେ ଧନ ଆଣିକି ନିଜ ଅର୍ଥାଘାରରେ ବା ଗନ୍ତାଘାରରେ ପୁରାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କର ଟିକସ କରି ଜୋରିମାନା କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆଣିବା ହେଉଛି ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କର, ସେଇ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବିପଦ ରୂପକ ବେତ ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଉନଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି କିପରି ଭାବରେ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନିଜ ଗନ୍ତା ଘରରେ, ସେ କଥା ହିଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନର ଲାଳସା ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପ୍ନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମାନେ। ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଧନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସାଫଲ୍ୟ କହିଲେ ସଫଳତା, ସୁବ୍ୟୟ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟୟ ବା ଭଲ ପରୋପକାରମୂଳକ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଧନର ଏପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ ଭାବୁଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ବା ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଆସୁନଥିଲା, କେବଳ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତେ ସୁପ୍ତେ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଣି ନିଜ ଗନ୍ତା ଘରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେହି କଥା ହିଁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଧନର କିପରି ଭାବରେ ସଫଳତା ସାଫଲ୍ୟ ବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇପାରିବ, ପରୋପକାରମୂଳକ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଭାବୁନଥିଲେ। ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ,
मंचे केते आसी केते गले भाई किए नहीं गले कि धन मुंडाई। कौन कह ना से माने केबे हेले भी परर उपकार पाए कि पाखे जिते धन संपत्ति अच्छी किपर भाव से परर उपकार करे से कथा चिंता करून थे। जदि जक्ष कह जक्ष कहले धन को जगि रोकवा उपदेवता बा कुबेर धनागार जगुआ जीए जक्ष बोली कहा था। जदि सबुबी जक्ष जगि रही थे से धन संपत्तिर क्यों फल रही कौन सी फल ना। जदि से धन संपत्ति को अन्यर उपकार काम खर्च करा जाए से उपकार रही। मंच को मंच कहले एठारे दुनियार रंगमंच आमे समस्ते आसीचे रंगमंच अभिनय करिबा आम जीवन जो दिन शेष हेब आम रंगमंच आम अभिनय मध्य शेष हेब। यही दुनिया रंगमंच आसी निज निज अहमिका निज निजर बड़पणिया निज निजर नीतिभ्रष्ट जो राजन्य मंडली से माने कही के निजर गंताघर को साथी नहीं कि मृत्युवरण करना से कई आसीचु एका जीवु एका कही के जिते बढ़ीमा जिते बड़पणिया संपत्ति रखिले कही के साथी नहीं कि जाती ना। ये दुनिया रो रंगमंच समस्ते खाली हाथ में फेरी जाती किए नहीं गले कि धन मुंडाई पड़ी तो रहिले पछे हाथी घोड़ा पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा पड़ी तो रहिला रतने भास्वर कुबेर भंडार समगंता घर। कौन कह के धन संपत्ति को मुंडाई कि नहीं नहांती कही के हाथी घोड़ा सुना रूपा कौन सी जिनस कही के नहीं कि जाना जिते रत्न हेले भास्वर कहले दीप्तिमंत जिते भास्वर जिते रत्न सुना रूपा हाथी घोड़ा प्रसाद अट्टालिका गंताघर कही के साथी नहीं कि जाना। जदि गंताघर तुम कुबेर भंडार सहित सामान थाए से हीपरी भाव कुबेर जो पर भाव गंताघर रही विशाल गंताघर जदि तुम से कुबेर भंडार पड़ी गंताघर थाए ताहले मध्य तुम्हें ताकू साथी रे नहीं कि केबे जीव ना जीणीबाकू आउ नाही धरा खंड बोली कले जे हूँ अश्रुसिक्त गंड मला बेले विश्व विजयी स्कंधर कि कहिथिले ता चित्ते थर धर। कौन कह जीणीबाकू आउ नाही धरा खंड कहले देश आउ जितिबाकू आउ कौनसी देश एमती बाकी ना जो देश को मु जीति पारिबी ए कथा किए कही ना अश्रु जेहूँ अश्रुसिक्त गंड अश्रुसिक्त कहले लुहा लुह बुहाइले बा लुह बोहिबारु ओदा गाल ताकु अश्रुसिक्त गंड कहा जाए। कांदि कांदि कि जितेबले विश्व विजयी स्कंदर विश्व विजयी ग्रीक वीर आलेक्जेंडर जो विश्व को से विजय करते आमरी कौन सी धराखंड नाला एपरी कौन सी देश नाला जो देश को आलेक्जेंडर जय करते से मृत्युवरण करुले से कांदी कांदी के कथा कही चित्ते थरे धर चित्ते कहले हृदय यही कथा को थरे धर से कौन कही ना बोले एप्राण गले पिंड छाड़ी नेब जेबे मते कोकेईरे काढ़ी देव तही मोसब सुई बेनी पासे बेनी कर कुझुलाई जा देखि जानिबे जगते समस्ते आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते। बोइले कहले कहले ग्रीक पीर आलेक्जेंडर जी कि विश्व विजयी थिले जेतबेले से मृत्युवरण मृत्युर समय तांको पाखे आसीथिला से समय रे कहिथिले आ कौन सी एपरी देश ना जो देश को मु वर्तमान पर्यंत विजय लाभ करना जीति ना से समस्त से विश्व विजयी समस्त विश्व को से विजय करय करते से कही जितेबले मोर शरीर जितेबले प्राण छाड़ी जीव पिंड कहले शरीर ये शरीर जितेबले प्राण छाड़ी जीव से समय कौन कर जेबे मते कोकेई रे काढ़ी मते जितेबले कोकेई रे काढ़ी के नेबो कोकेई कहले सबाधार सेतबले कौन करिबो मो सब को देइथिबो बेनी पासे बेनी करो को झुलाई बेनी कहले दुई पाखरे
दुई पाखरे दुई हाथ को मोर झुलाई कि नहीं थी कौन पे ये कथा कहले ना समस्ते देखिबे मु जो विश्व विजयी विश्व को विजय करिछि किंतु मृत्यु बेले मु कौनसी जिनिस मो साथी रे नहीं कि जाऊ नहीं। मृत्यु बेले केही केबे निजरो संपत्ति कि जहाँ किछि जय करिथांतु केही कौनसी जिनिस को नहीं कि जानतिनि। एक कथा जितोबले किए कहते विश्व विजयी स्कंदर बा ग्रीक वीर आलेक्जेंडर कहते जा देखि जानिबे जगते समस्ते आसीगली फेरी आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते मु विश्व विजयी हेले समग्र विश्व को जय करिथिले मु मृत्यु बेले मु फेरीगला बेले एही संसार रूपक रंगमंच रु मु साथीरे कौनसी जिनिस नहीं कि जाऊना शून्य हस्तरे जाऊछि शून्य हातरे जाऊछि। एही जो महावाक्य मने मने हेजी सत्व गुण भज लोभ मद तेजी कौन कहा जाए सत्व गुण कहले सत्गुण बा सकल हेजी रो अर्थ हेउची मने पकाई तेजी कहले त्याग करी। एही जो मन महावाक्यटी रहिची ताकु मने पकाई कि सबु बेल पाई के कौन करो लोभ मद को त्याग करी सबु बेल पाई सत गुण सकल गुण को भजन करो बा चिंता करो। एक कथा आलेक्जेंडर तांको शेष समय रे कही जाइथिले ये होची एक महावाक्य अकारणे किंपा तंडी अरखित अल्प दिन पाई संचु अछुबित अकारणे कौनसी कार्य रे लागिबनि हा जो तंडी शोषण करी अरक्षित कहले असहाय व्यक्ति असहाय व्यक्ति ठारु कष्ट शोषण करी जो धन को संग्रह करुछु ता केबे हेले मध्य कौन हेबो कामरे लागिबो नहीं। ए जो धन को संचय करुछु तो भाबुछु बहुत दिन पर्यंत मु बंचिबी मु बहुत दिन पर्यंत ए धन रे कोन करिबी मो निजर जो आशा रहिछि राजभोगर जो इच्छा रहिछि ताकु पूरण करिबी किंतु ए संसार को तु अल्प दिन पय आसिछु किए केऊ दिन केऊ समय रे मृत्युवरण करिबे ए कथा कि कहि परिबे नै सेथि पई कोन पई कि वित्त कहिले धन को तु संचय करुछु तंडी कहिले शोषण करी असहाय अरक्षित कहले असहाय व्यक्ति बोलाओ जगते सिना लक्ष्य पोषी फले तुम्भे जणे जणे लक्ष्य शोषी। लक्ष्य पोषी कहले जे लक्षाधिक लोकंकु पोषे साधारणतः राजा जमीदार मानंकु लक्ष्य पोषी बोली कह जाए कहीं से लक्षाधिक लोकंकु पोषण करिथान किंतु कवि मतरे से माने थिले सेतबेले लक्ष्य शोषी लक्ष्य पोषी नथिले लक्ष्य शोषी थिले कौन पाई से माने लक्ष लक्ष लोकंकर शोषण करुथिले निजर धन को वृद्धि करुथिले। तुम जगत रे समस्त को कहुछ कौन ना लक्ष्य पोषी बोली कहुछ लक्षाधिक लोक तुम पोषण करुछ किंतु तुम हो लक्ष्य शोषी लक्ष लक्ष लोक शोषण करुछ से मानको कष्ट देके आउ कौन कह जाए ना गणिका वकिल छामुआ पोषण लागि कर किंपा प्रजा को शोषण। गणिका कहिले रूपजीवी बा बेस्या छामुआ पोषण कहिले खोसामतिया पाख लोक राजागण बेस्याशक्त होई माली मकंदमा ग्रस्त होई बहु अर्थ को व्यय करुथिले तांको पाख लोक माने मध्य मिछ कथा कही खोसामत करी तांको ठारु बहु अर्थ को मध्य शोषण करी नउथिले जेउपरि भावरे सेही राजा माने प्रजा मानंकु शोषण करी आणुथिले तांकर जो पाख लोक माने थिले से माने मध्य मिछ कथा कही तांको खोसामत करी तांको ठारु बहु अर्थ को शोषण करी नउथिले। एठारे कौन कहा जाए तुम्हें जेपरी भाव में प्रजा को शोषण करुथिल वकिल खोसामतिया पाख लोक बेस्या माली मकंदमा ग्रस्त हो बहु अर्थ को व्यय करुथिल ए अर्थ कौन हो सबू अपव्यय जाऊला
କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କେହି କେବେ ଭଲରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଖୋସାମତିଆ ପାଖ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଛାମୁଆମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଲି ମକନ୍ଦମାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକି ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ୍ତ। ଏବେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ କହିଲେ ଝାଳ ଲୋତକ କହିଲେ ଲୁହ ଅର୍ଜିତ। ରକ୍ତ ଝାଳ ଲୁହ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫଳ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ୍ତ। ପାପବିତ୍ତ କହିଲେ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଣିଥିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରି ନେଇଯିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେବ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ତା'ର କ'ଣ ରହିବ ଅଭିଶାପ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ପାପବିତ୍ତ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଚାଲିଛ। ତୁମେ ସେସବୁକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରୁନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ତୁମେ ତା'ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁନାହଁ, ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରୁନାହଁ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ପାପର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆଶା କି ମନୋବଳ ତୁମର ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ପାପକୁ ଆହୁରିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି, ଲୋଭ ରହିଛି, ତୁମେ ସେହି ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନକରି ପୁଣ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନକରି ତୁମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପାପର ପରିସୀମା ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଘଟିଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବହ୍ନୀ ଶିଖା ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଉତ୍କଳର ସେନାପତି, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟ। ବହ୍ନୀ ଶିଖା ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ନିମ୍ନଗାମୀ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତଣ୍ଡି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୋଷଣ କରି ତ୍ୟାଗ କରି ମନେ ପକାଇ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ତଣ୍ଡି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଷଣ କରି। ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ପ୍ରଜା, ଗନ୍ତାଘର। ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘର, ଘିଅ, ମାଠିଆ, ଘୁଷୁରୀ। ଘୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଥିଲା, ପଦରେ ରହିଥିଲା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଘୃଷ୍ଟିମୁଖେ, ଘୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।